टीस्पून सॉल्ट, इसे अच्छी तरह से मसल मसल कर हमें मिलाना है आटे के साथ नमक को। उसके बाद हमें इसमें हल्का हल्का करके पानी डाल के इसे गूथना है, इसे बहुत ही अच्छी तरह से गूथना है, एकदम सॉफ्ट। अब हम इसमें वेजिटेबल ऑयल देंगे। अब हम यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल दे रहे हैं। सॉफ्ट आटा गूथना है, मैंने सॉफ्ट आटा गूथ के ऊपर से वाइट ऑयल लगा दिया है। अब एक साफ कपड़ा लेके सूती कॉटन का, उसे धोकर अच्छी तरह से इसे हम लोग ढक देंगे 15 मिनट के लिए। मैं डो से इस कपड़े को हटा दूंगी 15 मिनट बाद। देखिए मेरे डो आलू के पराठे के कितने सॉफ्ट बने हैं। अब इसकी मैं लोइयां बना लूंगी। है 350 ग्राम का, उसे मैंने धोकर अच्छी तरह से पानी को सुखाकर मैंने इसे नमक पानी में 5 मिनट के लिए उबाल लिया है, जिससे कि आपको एसिड ना हो। बहुत कोई को फूल गोभी हजम नहीं होता है, एसिड होता है, तो उससे होता है क्या, अगर आप नमक वाले पानी में इसे उबाल ले तो आपको एसिड नहीं होगा, हजम भी अच्छी तरह से होगा। तो मैंने इसे पानी झड़ा लिया है उबाल कर। अब मैं इस तरह के एक ग्रेटर से फूल गोभी को ग्रेट करूंगी एक सूती कपड़े के ऊपर। साफ सूती कपड़ा आपको लेना है, जिससे कि गोभी में एक्स्ट्रा पानी ना रहे। करके आपको कद्दूकस कर लेना है फूल गोभी को एक सूती साफ कपड़े के ऊपर, जिससे कि एक्स्ट्रा पानी फूल गोभी में ना हो। आपको ऐसे करके पोटली को फोल्ड करना है और इसे ऐसे करके प्रेस करना है। देखिए फिर भी इसमें पानी था, वो पानी निकल रहा है। आपको जोर से इस फूलगोभी के कद्दूकस किए हुए ऐसे करके आपको सूती कपड़े पे पानी को निचोड़कर बाहर निकाल लेना है। फूलगोभी को जो कद्दूकस करके पानी उसका झरा लिए थे, तो पानी सूख गया है एकदम ड्राई। अब इसमें 1 इंच की तरह अदरक को कद्दूकस करके डालेंगे। अब अदरक कद्दूकस कर लिए हैं। अदरक गोभी के पराठे की जान है। एक हरी मिर्च, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो तो आप 2-3 भी ले सकते हैं। पराठे की जान कुचा हुआ हरी धनिया पत्ता, वो भी बहुत ही ज़्यादा, एक मुट्ठी के लगभग। आटा का डो रेडी है, अब मैं इसे भरने वाली हूँ। उससे पहले मैं इस काले नमक को इसमें लेंगे। अभी तक मैंने इस गोभी वाले मिश्रण में कोई नमक नहीं दिया था। अब इसमें मैं थोड़ा 1 टीस्पून काली नमक ऐड कर रही हूँ। मिश्रण में मैं भुना जीरा डाल रही हूँ और शाही गरम मसाला भी मैं इस गोभी वाले मिश्रण में डाल रही हूँ। ओके, बड़ी बड़ी लोइयां बनाई हैं। रोटी से, नॉर्मल रोटी से थोड़ा सा बड़ा आपको डो लेना है, जिससे कि हमें इस गोभी के मिश्रण को इसमें फिल करना है। आपको इस लोई को अच्छी तरह से मिला लेना है। हाथ से मैंने इस लोई को ऐसे करके राउंड कर लिया है। इसमें गोभी के पेस्ट मिश्रण को, अब मैं इस आटे की लोई को थोड़ा सा हाथ से राउंड करके इसके अंदर गोभी के इस मिश्रण को, पूर को इसमें भर लिया है। अब इसके मुट्ठी करके मैं इस पूर को बंद कर, भरने के बाद मैं फिर इस सूखे आटे में इसे मिला रही हूँ। फिर इसे हल्का हाथ से आप प्रेस करें, जिससे कि गोभी के पूर अंदर से बाहर ना निकले। आप जितना चाहे उतना इसे हल्के हाथों से प्रेस करें। फिर हल्के हाथों से आप राउंड शेप में इसे बेलन से बेलें, जिससे कि अंदर के पूर बाहर ना आए गोभी के। एकदम देखिए हल्के हाथों से मैंने इसे बेला है और यहाँ यहाँ जो आपको दिख रहा है ये इसकी जान है। जब हम इसे लोहे के तावे पर सेकेंगे तब यहाँ से अंदर पे तेल जाएगा और यहाँ से क्रंची होंगे पराठे बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर लोहे के तावे लिए हैं। अब लोहे के तावे पे जिस तरफ से ये गोभी दिख रहे हैं हल्के हल्के, उस तरफ को ही हम पहले तावे पर रखेंगे। और इधर का देखिए एकदम प्लेन है। एक तरफ सीख गए, मैंने इसे टर्न कर लिया है, दूसरी तरफ उलट दिया है, मैंने सेक लिया है। अब मैं इसमें, आप घी चाहिए तो घी डाल सकते हैं या फिर
सफ़ेद ऑयल से पराठा कर सकती या फिर बटर से पराठा कर सकती। अमूल बटर, आई लव अमूल बटर। तो मैंने यहाँ पर दोनों तरफ से पराठे को में जो मक्खन पिघलेगा, इससे तो लग रहा है कि अभी खाने का मन हो गया है, भूख भी लग गई है। इतनी टेस्टी लगेगी ये मक्खन इस पराठे के ऊपर। मुझे बेसिकली आलू के पराठे मक्खन से ही पसंद हैं, तो मैं सर्दियों में मक्खन का ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो इसे अच्छी तरह से फैलाकर इसे मैं नीचे की तरफ भी दे दूँगी। इसके बाद मैं पराठे को हल्का सा ऊपर करके इसे मैं ढाबे स्टाइल में भूनूँगी। तरफ के पराठे मक्खन से भून रहे हैं और वाओ, इतने अच्छे से निकल रहा है और दोनों तरफ से सीख भी गया है। ये गोभी वाले पराठे मेरे तैयार हैं।